अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल, प्लेइंग विथ नंबर्स। संख्याएं बूझना। अक्सर जब हम संख्याओं पर संक्रिया जैसे जोड़, गुणा आदि करते हैं तो हमें संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं। क्या होगा अगर हमें संख्याओं तथा उनके अंकों के मान पता न हों? यदि हमारे पास ए, एम, पी, एन, पी क्यू, एम एन, ए बी सी जैसी संख्याएं हों जिनका प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक को प्रदर्शित करता हो, तो हम इन अंकों के मान पता करने की संभावनाएं कैसे सोच सकते हैं? यदि हम ऊपर दी गई एक अंक की संख्या ए, एम, पी, एन के बारे में सोचें, तो हम जानते हैं कि ये अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। यदि हम दो अंकों की संख्या पी क्यू तथा एम एन के बारे में सोचें, तो पी क्यू एम तथा एन भी 0 से 9 के बीच होंगे। पी क्यू में क्यू इकाई के स्थान का अंक तथा पी दहाई के स्थान का अंक होगा, अतः यह संख्या वास्तव में 10p-q होगी। इसी प्रकार mn संख्या 10m-n से व्यक्त होगी। तीन अंकों की संख्या जैसे abc का मान 100a-10b-c होगा। अब आप सब भी ऐसी ही कुछ संख्याओं जैसे ml, xy, ab, pqm, xyz को उनके स्थानीय मान के अनुसार प्रदर्शित कीजिए। कुछ 4 अंकों की संख्याओं के बारे में भी सोचिए, करके देखें। 1, यदि a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5, d बराबर 0 हो और किसी अंक का उपयोग एक बार ही करें, तो इनसे बनने वाली पहला सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दूसरा, ए बी सी डी व ए डी बी सी में से कौन सी संख्या बड़ी होगी? तीसरा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या वह 3 अंकीय होगी या 4 अंकीय? चौथा, डी बी ए सी का मान कितना होगा? ये कितने अंकों की संख्या होगी? 2, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4 हो, तो पहला ab गुणा cd का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, ab धन cd कितना होगा?